नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। जिला पंचायत सदस्य एकता ठाकुर ने थामा बीजेपी का दामन। जबलपुर से जिला पंचायत सदस्य एकता ठाकुर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। इससे लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। एकता ठाकुर सिहोरा विधानसभा से कांग्रेस की उम्मीदवार रही हैं। इससे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। भोपाल स्थित बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह की मौजूदगी में एकता ठाकुर को पार्टी की सदस्यता मिली। एकता ठाकुर जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को चुनाव होना है। इस बीच चर्चा है कि एकता अध्यक्ष बनने की शर्त पर बीजेपी में शामिल हुई है। एकता ठाकुर कांग्रेस की युवा आदिवासी महिला चेहरा रही है और कांग्रेस की छात्र विंग की और युवा विंग की राष्ट्रीय स्तर की पदाधिकारी रही है। सदस्यता ग्रहण करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब युवाओं का कोई भविष्य नहीं है, जिस कारण मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़ रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि एकता ठाकुर के बाद कई ऐसे युवा पदाधिकारी एवं नेता जो अपना भविष्य भाजपा और अन्य दलों में तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश नई ऊंचाई को छू रहा है। सुश्री एकता ठाकुर ने प्रदेश की भाजपा सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है और प्रगति के पद पर अग्रसर है। सबसे बड़ा कारण था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी और वो नेता अस्वीकार करके, मैं भी एक राम भक्त हूँ और जो अस्वीकार किया तो उसे मन व्याकुल था और उसी दिन मैंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया और आज मैंने विनय पांडे को भी लिया है उनके साथ और वी डी शर्मा जी के नेतृत्व में भाजपा में। और भी लोग आने के चांसेस? जी बिल्कुल, सिहोरा विधानसभा से हमारी पूरी युवा साथी और जितने भी हमारे साथी पदाधिकारी हैं वो सब। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।